बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी सिखाऊंगी, आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी। ये बहुत ज़बरदस्त बनती है और बनती भी बहुत आसान तरीके से है। आलू की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, एक कप मैंने आलू बुखारा लिया है, इसमें तीन कप मैंने पानी डाल दिया है, इसको मैंने एक घंटे पहले भिगो दिया था। इसमें एक ही कप शुगर जाएगी, दो टेबलस्पून इसमें वाइट सेका जाएगा, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, सूख मिर्च और काली मिर्च, ये तकरीबन दो दो चुटकी जाएंगे। और ये सीड्स हैं आपके पास, वाइट सीड्स, चार मग्स जिनको कहते हैं, ये हम शामिल करेंगे। और साथ अगर आप चाहें तो बादाम भी इसमें डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। इसमें ये आलू बुखारा पानी समेत इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने शामिल कर दिया। आंच मैंने दरमियानी रखी है इसमें। इसको डालने के बाद साथ ही इसमें डालूंगी दो टेबलस्पून सिरका, चार मग्स काली मिर्च, सूख मिर्च, नमक और एक गरम मसाला। अब इसमें शामिल करूंगी एक कप चीनी। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। इसको तकरीबन 7 से 10 मिनट तक मैं पकाऊंगी। दरमियानी आंच पे इसको पकाना है। और अगर आपने बादाम डालने हैं उनको भी आप अच्छे से छिलका उतार के और इस स्टेज में उनको भी आप शामिल कर सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी बिल्कुल एक ड्रॉप रेड फूड कलर का, ये आप स्किप भी कर सकते हैं, जस्ट कलर देने के लिए इसमें हम ये डालेंगे। आप मेरी रेसिपीज को जरूर फॉलो किया करें। अगर आपको अच्छी लगती हैं कमेंट में मुझे बताया करें। वक्फे वक्फे से हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे। बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गई है। कलर डालने का ये फायदा होगा कि इसकी लुक ज़रा अच्छी आएगी। आपके रेसिपी फॉलो करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसे बनी है और कैसा टेस्ट आपको लगा इसका। सेम वही टेस्ट आएगा जैसे शादियों में हम खाते हैं। तो परफेक्ट रेसिपी मैंने आपको शादियों वाली ही सिखाई है। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, आलू बुखारे फूल के डबल हो गए हैं। अभी बिल्कुल रेडी है हमारी चटनी। फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी और इसको थोड़ा ठंडा करके किसी बर्तन में मैं निकालूंगी। चटनी को मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये चटनी बनी है और बहुत ही आसानी से और कम वक्त में बनी है। इसको आप फ्रिज में रख के 6 से 7 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना ठंडा करके इसको खाएंगे उतने ही मज़े की होगी। इसको मैं फ्रिज में रखूंगी और 3 से 4 घंटे बाद इसको मैं सर्व करूंगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको ये कैसी लगी हैं।